हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब गाइस आई होप आप सब अच्छे हैं गाइस आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये वाला मेकअप लुक एंड दिस मेकअप लुक आई हैव स्पेशली क्रिएटेड फॉर रक्षाबंधन एंड दैट टू फॉर मॉनसून सीजन ये जो मेकअप लुक है इट इज क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग बहुत देर आपका ये लास्ट करेगा आई आश्चर यू गाइज इट्स इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग बेस एंड बेस में एक्चुअली मैंने कोई भी फाउंडेशन यूज नहीं किया है एंड मैंने सिर्फ एक काउंसिलर को यूज किया है सो so अगर आपको जानना है ये वाला मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया है इस वीडियो को जरूर तक देखें चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेट्स गेट स्टार्ट मेकअप शुरू करने से पहले हमारा स्किन अच्छे से प्रेप्ड होना चाहिए सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम मॉम्स को एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ सो सनस्क्रीन इज अ मस्ट इन डे टाइम सो मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस ऑर्गेनिक्स का सनस्क्रीन एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मैं इसे मैं इसे इसको डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही करी आप देख सकते हैं सो so, इसको घिसना नहीं है ज़्यादा इस तरीके से अप्लाई करना है सो नेक्स्ट टाइम टेकिंग दिस न्यू हाईलाइटर फ्रॉम ब्लू हेवन एंड ये मैं यूज़ कर रही हूँ एज एन इल्यूमिनेटर मेरा जो सेड है दैट इज़ सिल्वर पिंक सो so, इसके ऊपर आपको इन डिटेल रिव्यू मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर गाइस ब्लू हेवेन ने बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू लॉन्चेस किए हैं सो आई है रिव्यू देम एज़ वेल ऑन माय चैनल सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ इनसाइड का एच डी कौंसिलर पैलेट एंड आई एम गोइंग टू टेक द पीच कलर करेक्टर फ्रॉम दिस पैलेट एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ ऑन so, माई डार्क सर्कल्स एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ सो अभी आप डिफरेंस देखेंगे गाइज बिटवीन बोथ माई आईज सो आप देख सकते हैं गाइज कितना हद तक मेरा डार्क मेरा डार्क सर्कल्स हाइड हो चुके हैं सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू ब्लेंड द सेम कलर करेक्टर ऑन माई चेन यहाँ पर मेरा पिगमेंटेशन है सो नेक्स्ट टाइम गोइन टू टेक ब्लू हेवेन जेल ब्लस इन द सेट ग्ला पिंक ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक सेड है एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी यूजिंग माई फिंगर्स ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ईजिली का इज़ विद इन टाइम आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट सो मच सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक एच डी फ्रॉम फ्राम इनसाइड कॉस्मेटिक्स एंड मेरे पास जो सेड है आई थिंक दैट इज़ फिफ्टीन बहुत ही अच्छा सेडे फॉर माई स्किन टोन सो so, इसको मैं सिर्फ यूज़ करूँगी अराउंड माई आईज एंड मेरे माउथ के आसपास थोड़ा पिगमेंटेशन है यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ब्लेंड करूँगी एंड जो भी बचा कुछ प्रोडक्ट होगा ऑन माई ब्यूटी ब्लेंडर उसको मैं अच्छे से स्प्रेड करूँगी ऑन माई फेस लाइक दिस आप देख सकते हैं सो इन टूडेज़ लुक आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी फाउंडेशन या एनी बेस प्रोडक्ट सो so, ऐसे हमारा बेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा कवरेज मुझे मिला है सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू सेट माई मेकअप वेल यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट फ्रॉम लैक में एंड अच्छे से मेरा आईज़ के आसपास uh, इसको अच्छे से यूज़ कर रही हूँ टू सेट माय कंसीलर एंड नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ अ बिग पाउडर ब्रश टू सेट माय मेकअप एंड माय फेस वेरी लाइटली मैं यूज़ करूँगी सो नाउ आई एम टेकिंग माई ग्लैम पोज एच डी ब्राउजर एंड जो पर्टिकुलर ब्राउन्जर है मेरे फेस के ऊपर काफ़ी नेचुरल लुक देता है एंड डेट टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है बहुत ही स्लीमर लगता है मेरा फेस चिजल डप लगता है सो एज यू कैन सी आई एम कॉन्ट्रोलिंग माई जॉल एंड एज वेल क्योंकि मेरा डबल चिन है सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ अ फ्लैट आई सू द ब्रश एंड आइम गोइंग टू कॉन्ट्रो माई नोज लाइक दिस आप देख सकते हैं इससे हमारा नोज बहुत ही पतला लगता है सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ माई ग्लम पोज एच डी ब्लॉसर इसमें टू सेट्स हैं दोनों को मैं मिक्स करके अप्लाई कर करूँगी एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई एट अपवर्स ताकि मेरा फेस ज़्यादा लिफ्टेड अप लगे एंड मैं नोज के ऊपर थोड़ा इसको अप्लाई करूंगी सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ दिस फेसिस कैनाडा हाईलाइटर इसका जो शेड है दैट इज़ हेलो सनसाइन बहुत ही ब्यूटीफुल सेड है एंड दिस इज़ ऑल्सो न्यू लॉन्च फ्रॉम देम ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये शेड सो so इसको मैं यूज़ करूँगी द हाइस्ट पॉइंट्स ऑफ माई फेस टू हाईलाइट माई फेस सो so, मैं लिप्स के ऊपर लिप बाम अप्लाई करना भूल गई थी आई एम गोइंग टू यूज़ बिलग्री स्क्वालियन बबल कम लिप बाम ऑन माई लिप्स एंड इसका इन रिव्यू मिलेगा आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छा है तो so, आज मैं यूज़ करने वाली हूँ एले कलर्स का न्यन सॉक आइसडो पैलेट एंड इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीची कलर है आप देख सकते हैं इसको मैं यूज़ करूँगी एज माई ट्रांजिशन सेड एंड इसको मैं पूरे आईलेट के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी लाइक दिस एंड इवन लोअर लास्ट लाइन में भी थोड़ा ब्लेंड करूँगी सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू पिक दिस ब्यूटीफुल सेम्पिनी गोल्ड काइंड ऑफ कलर है तो इसको मैं अप्लाई करूंगी ऑन माई होल आई लीड सो दिस आई सेड टू लुक इज़ वेरी वेरी इजी काइज आप बहुत ही अच्छे से इसको अचीव कर सकते हैं सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ दिस अ ब्यूटीफुल चॉकलेट कलर सो इसको मैं आउटर साइड uh, में थोड़ा से ब्लेंड करूंगी थोड़ा स्मोकी लुक देने के लिए सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ स्टेक वर्क की ब्लैक काजल काजल इज़ ए मोस्ट हाफ फॉर एनी फेस्टिव लुक सो नेक्स्ट एम गोइंग टू टेक दिस ब्राउन कलर एंड इसको मैं यूज़ करूँगी टू स्मॉच माई काजल सो आई एम यूजिंग द सेम ब्रश एंड द सेम सेड ओनली टू ड्रॉ अ फेक आई लाइनर लाइक दिस सो उसके मदद से ही मैं इसको इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करूँगी मतलब मेरे आई साइडों को बाहर एंड इट कीप्स अ वेरी ब्यूटिफुल लुक आप देख सकते हैं आइज़ सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ मार्स का आईब्रो किट एंड इसमें ये जो दोनों सेड्स हैं ग्रे एंड ब्लैक इनको मिक्स करके मेरे आईब्रोज को अच्छे से फील कर लूँगी सो so, पहले मैं अच्छे से आउटलाइन कर रही हूँ लाइक दिस एंड नेक्स्ट टाइम गोइंग टू फिल माई आईब्रोज सो ये जो किट है बहुत ही अच्छा है बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू को माई आईब्रो ताकि मेरा प्रोडक्ट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सो आई एल बी डूइंग माई लेफ्ट आईब्रो एंड आई एल बी बैक सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ दिस ब्यूटिफुल पॉली कलर टू हाईलाइट द कॉर्नर ऑफ माई आईज एंड मेरे ब्राउ बोन को भी थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करूंगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस यू का बहुत ही अच्छा सेड है सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज द सेम सेड ओनली बिलो माई विंगड आईलाइनर लाइक दिस इट्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट लुक लगता है इट्स अ वेरी कॉर्जियस लुक सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा डबल ट्रबल मस्कारा फ्रॉम मार्स सो फर्स्ट टाइम यूजिंग द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ अ लेंदनिंग वन सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ द वॉलूमाइजिंग पार्ट एंड ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइज एंड इट इज़ सो अफोर्डेबल

कैसी ये है तेरी जो तू पलकों को झुकाए रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्वीदा है उसको डाले तू मुझे कमेंट आया था आई थिंक येस्टरडे ओनली आई गॉट अ कमेंट बहुत ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करते हो एंड ऑल सो गाइज कैमरा के आगे जो हम मेकअप करते हैं दैट इज लाइक दैट ओनली हमको ज्यादा मेकअप करना ही पड़ता है नहीं तो हमारा फेस जो मेकअप है वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है एंड दैट इज द रियलिटी गाइज बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देख सकते हैं गाइज वो भी बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट इन रियलिटी वी डोंट डू अ मेकअप लाइक दैट कैमरा नहीं तो कैप्चर नहीं करता है एंड यू गाइज ओनली यू आर गोइंग टू टेल मी क्या आपका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा है

इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा सो डू फॉलो मी माई इंस्टा हैंडल इज क्लाम अंडर स्कोर योर अंडर स्कोर लुक सो वन से बैक विद अनदर वीडियो फॉर यू ऑल टिल देन बाय टेक केयर लव यू ऑल